नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। सऊदी अरब ने काबे में लगे काले पत्थर और मकामे इब्राहिम की तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने जारी की गई हैं। काबे में लगे इस पत्थर को अरबी में हजरे अस्वद कहा जाता है। हजरे अस्वद की ये तस्वीर 49,000 मेगापिक्सल की है। सऊदी अधिकारियों को इन तस्वीरों को खींचने और बनाने में 50 घंटे लगे। हाई क्वालिटी कैमरे और लेंसों की मदद से इस पत्थर की लगभग 1,050 फोटो ली गई। ये फोटो इतने हैवी क्वालिटी और हाई रेजुलेशन के थे कि इन फोटो में से हर एक फोटो का साइज 160 GB का था। इस पत्थर की फोटो खींचने में ही 7 घंटे लग गए। हजरे अस्वद की तस्वीरों को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि ये वास्तव में काला नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस छोटे पत्थर की हर एक चीज को बड़ा करके डिजिटल तस्वीर में दिखाया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने काबे में मौजूद मकामे इब्राहिम की तस्वीरें भी पहली बार जारी की हैं और काबे में मौजूद हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम का करीबी नजारा दिखाने वाली तस्वीरों को जारी किया गया है, जो अब से पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उन लोगों की दावे की हवा निकल गई जो इसे शिवलिंग कहा करते थे। अब बात करते हैं इस पत्थर के इतिहास की और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पत्थर मुसलमानों के लिए इतना मायने क्यों रखता है, मुसलमान इस पत्थर को चूमते क्यों हैं, और इसके बाद हम आपको मकामे इब्राहिम के बारे में भी कुछ जानकारी बताएंगे। क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। काबे में लगा ये मशहूर पत्थर सीधे जन्नत से उतरा था। ये पत्थर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्रील द्वारा दिया गया था। बाद में इस पत्थर को शुद्ध चांदी से बने एक फ्रेम में जड़वा दिया गया और इसे खाने काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 1 मीटर की दूरी पर लगा दिया गया। इस पत्थर को हजरे अस्वद नाम से जाना जाता है। ये पत्थर खाने काबा के भारी दीवार के एक कोने में लगा हुआ है। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और मक्का शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म भी मक्का में हुआ था और खाने काबा भी मक्का में मौजूद है। हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमान मक्का पहुंचते हैं और खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ के दौरान कुछ हज यात्री पूर्वी कोने में लगे इस पत्थर को भी चूमते हैं। अब हम आपको यहाँ ये बता देते हैं, इस पत्थर को चूमना फर्ज नहीं सुन्नत है। इस पत्थर को लेकर बहुत से नॉन मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि मुसलमान काबे में जाकर इस पत्थर की पूजा करते हैं, इसलिए आज इस पत्थर से जुड़े एक ऐतिहासिक किस्से को आप तक पहुंचाना जरूरी है और साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि मुसलमान इस पत्थर को चूमते क्यों हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने हज के दौरान इस पत्थर को ये कहकर चूमा था, तू सिर्फ एक पत्थर है, तू मुझे ना फायदा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान, मेरे नबी ने तुझे चूमा था, मैं इसलिए तुझे चूम रहा हूँ। अब बात करते हैं मकामे इब्राहिम की। सऊदी सरकार ने हजरे अस्वद के बाद मकामे इब्राहिम की तस्वीरें भी जारी की हैं। मकामे इब्राहिम वह जगह है जहां पर खड़े होकर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को ऊंचा किया था। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर काबे की दीवारों को बुलंद किया था, उस पत्थर पर उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। पैगंबर के इन पदचिन्हों को संभाल के रखने के लिए उस पत्थर को सोने चांदी और कांच के फ्रेम से सजाया गया है। सऊदी सरकार ने इसकी भी तस्वीरें शेयर की। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।